सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सप्तशलोके दीर्घ शिव उवाच देवितमर्थजुन्मे सर्वकार्यविधायिने कलहे कार्यसिद्ध्यर्थम् अपायं रोहि जनदः देभ्यो उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कला सर्वेषु साधनम् मया तवेव स्नेहेन बिम्बाशुधिः प्रकाशते श्रीधर्जाके स्त्रमंत्र नारायण ऋषि अनष्टम छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीदेवता श्री दुर्गा मृतर्ध सप्तश्लोके दुर्गा बाढ़े विनियोग देवी भगवती बलाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे सृजा हर्ष भेदमशेषयन्त स्वस्ते सृजा मदिमते शुभां ददासि दारिद्र दुःखवैहारिणिकाः कुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृतचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये ब्रह्मचे गौरे नारायणे नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्द परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वयव्यस्राहिणो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते शेषानपहसि दुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितायाशयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गाय नमः श्री दुर्गाष्टोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु सकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भव महाकली आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपादिपादिभिः सर्वमन्त्रामयी सत्या सत्यानन्दा स्वरूपिणी
శాంభవీ దేవ మాతా జిందా రత్న ప్రియా సదా సర్వవిద్యా దక్ష కన్యా దక్ష యజ్ఞ వినాశని అవర్ణా దేశ వర్ణా చ పాటలా పాటలావతి పట్టాంబరీధాన జలమంజలరంజని అమేయ విక్రమా క్రూర సుందరి సురసుందరి వనధర్గాతంజే మతంగ మణిపూజిత బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరి చంద్రే కౌమారి వైష్ణవీత చాముండా చే లక్ష్మీ చ పురుషాకృతి విమలాదర్శని జానా క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిగా బహుళా బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన దశం వశం వహనని మహిషాసురమర్ధని మధుకేటవహంద్రే చందమండా వినాశని సర్వాసర్వినాశాధానవఘాతని సర్వశాస్త్రామయీ సత్త సర్వాశ్రధారిణీ తథా అనేక సహస్రహస్తా చ అనేక సహస్రధారిణి కుమారీ చేత కన్యా చేశోరీ యువతీ జతి అప్రౌఢా చేవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతా ఫలప్రదా మహోదయే ముక్తకేశే గౌరూపా మహాబల అగ్నిజ్వాలా రుద్రముఖే కాళరాత్రే తపస్విని నారాయణీ భద్రకాళే విష్ణుమాయా జలోధరి శివధూతే కరాళే చ అనంత పరమేశ్వరి కాత్యాయనీ చ సావిత్రీ ప్రత్యక్షా బ్రహ్మభాగిని యా ఇదం బ్రహ్మే నిత్యం దుర్గా నామ సదాశివం నాసాధ్యమ్యుద్ధతే దేవే త్రిషు లోకేషు పార్వతి ధనం ధాన్యం సదం జాయమయం హృయమేవ చతుర్వర్గం తథా చాందే లభే నమస్యం దశాశ్వతి కుమారీ పూజయిత్వా ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరి పూజయేశ్వరయా భక్త్యా పఠే నామ సదాశివం తస్య సిద్ధిర్భవే దేవీ సర్వే సర్వేరపి రాజానో దాసనాం జాందే రాజ్యే స్వయమహామునియా ఘోరచనలక్ష్మణంగమేణ సంధూరగర్భోరమధుత్రేణ విలక్షయంద్రవిదినా విదగ్య భవే సదాధార్యతే పురారిః భౌమవాస్యాని చామగ్రే చంద్రే చతుర్విశాంగతే విలక్ష్య ప్రవటే స్తోత్రం సా భవే సాంగదా प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुह के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशद मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य का अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अभ्युदय के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्य को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः तनुष्टुभछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तमातराभिरौ दिलभङ्गदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाजत्तेन जपे वियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगद्गुह्यं परममलोके सर्वरक्षाकरं निनां यज्ञकर्षाग्राघातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्म उवाच अस्य गुह्यतमभिप्रा सर्वभूतापकारकम् दिव्यासोकमजपुण्यन्तशुणशमहामुने प्रथमं शालपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाश्रमं नवमं सिद्धिगात्रे च नवदुर्गः प्रवेदिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना दह्यमानसो शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे देव भयार्थः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं शरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखाभयं न हि येषुभक्तासुदानानां तेषां वृद्धिः प्रजायते जेतां सौरञ्जदेवेषु रक्षसेतान् संशयः प्रेतसंसादुरामुण्डा बाराहि महिषासना इन्द्रियजलसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारेषु गवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विषवाहना रामे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगा समन्विताः नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधा समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं समुसलायुधं केडकं दोमरं देव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शालङ्गमायुधमुत्तमम् नित्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्ध्यायुधानीतं देवानां हृदाय वै नमस्य सोमारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेष्ठे शत्रुणाभयवर्धने प्राज्ञां रक्षतु मामेन्द्रियाणे रामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैरित्यां कर्करारिणि प्रदीप्यां वारुणे रक्षे वायभ्यामृगवाहिनि उदीर्या पादु कौमारि रक्षाणां शूरधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तदस्तावैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा सर्ववाहन जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु प्रस्थितः अलिलाभाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतने रक्षे सुमामूर्धे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रभो रक्षे दशश्वरे त्रिनेत्रा च भ्रभोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके
शङ्खनि चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि कपालौकालिकारक्षे कर्णमूले तु शङ्खनि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरश्च चर्चिका अग्रे च मृतकला युवायं च सरस्वती दन्तालक्षत कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका दण्डिकां चित्रकण्ठा च महामाया च तालुके कामाक्षे जीवकंरक्षे वाचमे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठपंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकाव्रलिकोपरि स्कन्ध्योः खड्गनिरक्षे बाहुमे भज्रधारिणि हस्योर्दण्डनिरक्ष लम्लिका च कुलेश्वर नखाश्वरेश्वरीरक्ष कुक्षो रक्षे कुलेश्वरि सनोरक्षे महादेवी मनःशोकविनाशिनि हृदयललिता देवी उदरेशोलधारिणि नावाचकामनिरक्ष गुह्यं विश्वेश्वरी तथा भूतनागामिकावृढं हृदयमहिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुरे विन्दवासिनि जन्ये महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुरुभयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादाधस्थलवासिनि नखान्दष्टाकराले च केशाङ्गेहोर्धकेशनि रोमकोपेषु कोबेरे त्वयं राजेश्वरी तथा रक्तमज्जावसमासाम्यस्य वेदासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तं चामघटेश्वरि पद्मावति पद्मकोशे गभे चूडामणि सदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालापभेद्या सर्वछन्दुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापाणो सव्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे दर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनमित्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रारक्षर्महालक्ष्मीर्भार्यं रक्षतु भैरवी पन्थानां सुमता रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वसहसा रक्षाहीनं दुःसाणम् अर्जितं गवजेतु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु जदेच्छेजो मात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निषदम् परमेश्वरे मधुरं प्राप्नुते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोके द्वभिपूज्यः नवकेनामितः भवान् इदं तु तेभ्यः कवचं देवानामभिधर्मम् इह पठे प्रयतो नित्यं श्रीसन्ध्यां श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येशपराजितः जीवेद्वर्षसंसाग्रम् अपवित्यो विवर्जितः नश्यन्दिदादयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः सावरं जङ्गमं देव कृत्रिमं याभियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजनः चेतराश्चैव जलगाशोपदेशिकाः सहजाकुलगामाला ढाकिणी शाकिणि तथा मन्त्रे चला घोरा ढाकिणे च महाबलाः गृहभूतविराजा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेदारः कुष्माडा वैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नदीर्वेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं वरं यदसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तदिं दण्डं धृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सहेलावनकाननं तावद्तिष्ठति मेदिन्या सन्तति पुत्रपात्रिके देहान्ते परमवसाणं यत्सुरैरपि दुर्लभम् रावणो देवपुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमवरूपं शिवेन सह मोचते
पथि अर्घल स्तोत्र ओम अस्य श्री अर्घल स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पीतये सप्तशति पाठाङ्गत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमाशिभाधात्रे सहस्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणि जय सर्वजते देवि कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकेटव विद्रावि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि लयं देहि यशो देहि दुशो देहि महिषासुरनिर्णासि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि लयं देहि यशो देहि दुशो देहि रक्तबीजालते देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि लयं देहि यशो देहि दुशो देहि शुम्भसेवने शुम्भस्य धूम्रक्षुसमर्धनि रूपं देहि लयं देहि यशो देहि दुशो देहि वन्दिताग्रीकुले देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अजिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या कण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि स्वभद्रा भक्तिपूर्वं दाकण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चण्डिके सततं जयताम् अर्चयन्ति हि भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि दुष्कामनाशं विदेहि बलमच्युतैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुरासुरसुररत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विद्याबन्धं जलस्वन्दं लक्ष्मीबन्धं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चतुर्भुजे चतुर्भग्न संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि कृष्णेना संसुदे देवि सर्वभक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि हिमाचलसुदानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि इन्द्राणीपति सर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्भ विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि तदनीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य गुलोभवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठे नरः स तु शब्दसति सङ्ख्या धर्म प्रणोदि अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशति पाठाङ्गत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विश्वज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम्
स्वाभिक्षेमम् आप्नोति सदसंव्याप्य तत्परः सिद्धन्तजाडनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुमतां देवी सोत्रमातेन सिद्ध्यति न मन्त्राणौषधं तत्र नङ्किङ्गीतमि विद्यते विनायापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृतानि मन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रव्यचण्डिकायासो दक्षगौतं जगारसः समातीर्णजमुन्नस तां यथावन्नियन्त्रणाम् स्वपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्नदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किलामृतायेण नित्यं जगति संसृणम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वोजायते नरः न देवापणतस्तस्य वयं वापि हजायते नापमृत्यो वयं जाते मृता मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो गात्रैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि यदकिञ्चदृश्यते ललनाशने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शुभम् षडेषु जप्यमाणेषु स्तोत्र सम्पत्तिरुच्चिजैः भवत्येव समग्रामे ततः प्रारम्भमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्मतः शत्रुहाणिः परो मोक्षः श्रूयते साडकिं गणैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रे ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्दयराजनि वासनभीष्टविराजनि रेशनुते भगवति I ain't gonna hold it in my heart.
Come on.
हमारी लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। अत क्षमा प्रार्थना अपराध सहसानि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मध्या में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ भगवती के शरण होकर के
मैं भगवती के चरणों में नतमस्तक होते ही माँ को नमस्कार करते ही इसमें जगजन्य जगत माता के उन शरणान भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बन जाती है और माँ भगवती उन भक्तों के हर स्थान पर हर क्षण हर पल अंगसंग रक्षा करती है, सब और भक्तों का कल्याण करती है। माँ भगवती आदिशक्ति इस दिव्य गुफा के अंदर तीन दिव्य पिंडी गुरु राजमण है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये माँ भगवती के तीन पिंडी के रूप में दर्शन है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तमन कर रहे हैं, ये तपस्थल ही तपभूमि है और इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और माँ भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के ये तप कर रही है। जब घोर कल जुगाएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती के इस पिंडी के रूप में दर्शन करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होते ही इन तीनों माता जो हैं प्रसन्नता पूर्वक माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती हृदय से उन शरणार्थ भक्तों को वरदान देती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं और सब ओर से वह भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो यही। हे माँ भगवती, आप अपने भक्तों को जो है विद्वान, यशस्वी, तेजस्वी, इस प्रकार से लक्ष्मीवान बनाओ, वह लक्ष्मी से युक्त हो, आपकी कृपा हो, वह संसार में तेजस्वी ओजवान हो, तेजस्वी हो और इस प्रकार से विद्यावान हो अर्थात ज्ञानवान हो, ऐसी आप उन पर कृपा करें, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रु का नाश करो। तो वास्तव में ये भगवती जिन पर कृपा कर देती है उन भक्तों को माँ भगवती कृपा से माँ का आशीर्वाद से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह भक्त जन संसार में जो है यही सब ओर से जो है उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है। वह दीर्घ आयु को प्राप्त होते, निरोगी जीवन देते जो है, निरोगी जीवन जब जीते हैं उनको जो है कभी किसी प्रकार कष्ट को दुख नहीं होता है, उनकी जीवन यात्रा सुख बन जाती है, जिन पर भगवती जगत माता की कृपा हो जाती है। माँ का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, समस्त देवतागण ऋषि मुनि जो है सभी देवी की पूजा करते, शक्ति उपासना करते हैं और देवता पर भी जब किसी प्रकार संकट आता, विपत्ति आती है तो समस्त देवगण भी जो है इसी शक्ति की उपासना करते हैं। इस शक्ति बिना संसार के पत्ता भी ढूंढ नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। और शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्त भक्ति भाव से बार बार नमस्कार है। जो भगवती आदि शक्ति इस चरचर संसार में कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है जो मंगलमय शक्ति रूप में भाषित हो रही है, वह भगवती आदि शक्ति माँ मंगलमय कल्याणमय माँ भगवती जो है हम भक्तों की रक्षा करें, हम भक्तों का कल्याण करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, हमें अपने चरणों की भक्ति दें, हर स्थान पर अंग संग हमारी रक्षा करें। उस माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। दिव्या जया तत्मतम जगदात्म शक्तया निशेष देव गण शक्ति समूह मुहूर्तया ताम्बिका अखिल देव अखिल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नता संविदादि सुवाणि सारणः। देव्या जया तत्मतम जगदात्म शक्तया कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिसका स्वरूप ही और जो जिस देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को जो है व्याप्त कर रखा है, वह भगवती आदि शक्ति समस्त देवताओं और महर्षियों के द्वारा जो पूजनीय है उस जगदम्बा को हम भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं, वह भगवती हम भक्तों का कल्याण करे। देव्या जया तद्वत जगदात्म शक्तया
समस्त देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है भगवती। देवताओं की शक्ति का स्वरूप कहते हैं कि जिस समय इस पृथ्वी पर तीनों लोकों में महिषासुर का आतंक फैला हुआ था, सर्वत्र जो सभी ऋषि मुनि देवता संत महात्मा सभी जो है त्राही माम पुकार रहे थे, इतने कष्ट में इतने संकट में थे, कोई धर्म कर्म नहीं कर पाता था, और ऐसे महिषासुर के अत्याचारी आतंकवादी जो थे, आतंकारी जो थे, वह सबको भय देते थे। जब तक देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और देवता जो इतने दुखी हो गए, अब क्या करें, कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं, ऐसा शक्तिशाली महिषासुर जो था जिसने तीनों लोक में त्रहित्र मचा दी। और कहते हैं कि जहां तक पृथ्वी माता भी उसके आतंक से भयभीत होगी। सृष्टि पर पृथ्वी पर जो है कितने बोझ बढ़ जाए, परंतु माँ जो है कभी घबराती नहीं है, परंतु जब पाप बढ़ जाता है तब जो है ये भयभीत होती है। इतना अत्याचार इतना अनाचार होने लगा कि पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण कर करके भयभी ब्रह्मा के पास की, और ब्रह्मा के पास जाकर के उसने प्रार्थना की, अब जब पाप जो अत्याचार मुझसे सहा नहीं जाता, अब जब पाप मुझसे सहा नहीं जाता है, तब ब्रह्मा गौ माता को लेकर के देहें भगवान शिव के पल चले गए, और वहां जाकर के गौ माता का उसका कष्ट उसका दुख सुनाया। तब अन्य देवताओं के साथ जो है सब देवगण एकत्रित हुए और भगवान शिव भी जो है उनके साथ चल पड़े। वह उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर के जो है सबने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बतलाइए किस कारण सबका आगमन हुआ है। तब उन्होंने देवताओं के सारे कर्दूर जो थे भगवान विष्णु को बतलाई जो गौ माता इतनी दुखी हो गई है, तब कि जय भगवती जो है पृथ्वी के रूप में विद्वान होकर के जगत को धारण करती है, जो थोड़ी भी हिल जाती है तो सबका सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए माँ जो है सदा सर्वदा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, और माँ सदा सर्वदा यही चाहती है मेरी संतान मेरे पुत्र जो है मेरे बच्चे जो है मेरे भक्त जो है सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म का कुल धर्मानुकूल कर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त हो। कौन माता पिता चाहते हैं कि उनके संतान उनके बच्चे जो है बुरे कर्म करें, पाप कर्म करें, अत्याचार करें, दुराचार करें, दूसरों को दुख दें, कोई नहीं चाहता। सभी माता पिता यही चाहते हैं हमारे संतान अच्छी हो, आज्ञाकारी हो, दूसरा भला करने वाली हो, देव आराधना करने वाली हो, परोपकारी हो, यही सब चाहते हैं। इसलिए जो है माँ उस समय दुखी होती है जब उसके बच्चे जो है बुरे कर्म करते हैं। इसलिए जहाँ पर जो भक्तजन आते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमसे जीवन किसी प्रकार कोई अपराध हुआ कोई पाप हो तो माँ हमें क्षमा करना और आगे लगे ऐसा ज्ञान देना ऐसा बुद्धि देना ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। जब जो है देवताओं ने जो है देवताओं की सारी करतूत जो थी भगवान विष्णु को सुनाई तो ये सुनकर के भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध हुआ। देवता पर क्रोध आया, जब देवताओं से क्रोध आया तो उन्हें देख करके आप जो है भगवान शिव को भी जो है देवता पर क्रोध हुआ, ब्रह्मा भी उन पर क्रोध करने लगे, अन्य से देवगण जो है सब देवता पर क्रोधित हुए। कहते उस समय जब क्रोधित हुए सब देवगण जो है तो उन देवताओं के शरीर से अलग अलग तेज निकला जो पुंज गर्भ में परिणत हुआ, और देखते देखते उसने एक नारी का रूप धारण किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक स्त्री का नारी का रूप धारण किया जिसकी सभी देवताओं ने ऋषि मुनियों ने सबने उसकी पूजा की, उस देवी की जो है सबने पूजा की, और सबने जो है ब्रह्मा ने जो है इस प्रकार से अपना करमंडल से प्रदान किया, भगवान विष्णु से अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया, भगवान जो है शिव ने त्रिशूल प्रदान किया, इस कारण देवता ने अपनी अपनी शक्ति जो थी उस देवी को प्रदान की। देव्या जया तत्म जता तुम शक्तिया, देवताओं की शक्ति का स्वरूप ही जिसका रूप है वह भगवती। तो देवताओं से जो जो तेज निकला वह एक पुंज के रूप में परिणत हुआ, और देखते देखते वही नारी के रूप में परिणत हुआ, क्योंकि महिषासुर ने तप कर करके ये वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा से ही कि मुझे कोई भी जो है युद्ध में कोई देव देवता पराजित न कर सके, कोई मुझे मार न सके,
और जो युद्ध में पराजित कर सके तो स्त्री के लिए उसने जो वरदान मांगा था, क्योंकि नारी अबला होती, बुद्धि ने काम किया नहीं, खुद ही वरदान मांग रहे हो, तो मृत्यु सबकी है कि मुझे नारी ही जो है, स्त्री जो है वही मुझे मार सकती है, वही युद्ध में पराजित कर सकती है और कोई नहीं। तो इस प्रकार से अब कोई देव देवता जो है उसको पराजित कर नहीं सकता, तो ये भगवत याद शक्ति जो है जब नारी के रूप में उत्पन्न हुई, अब जय उसके साथ जो है महिषासुर का युद्ध हुआ। सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती ने देवता ने कहा कि आप निर्भय हो जाइए, माँ ने स्वयं जो समय ऐसा महिषासुर जिसको देवता पराजित नहीं कर पाए, उस समय भगवती ने स्वयं प्रकट होकर के जो है उस दैत्य का युद्ध किया। और कहते हैं कि क्षण मात्र में ही, कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, क्षण मात्र स्वयं उनके साथ युद्ध कर करके सारे दैत्य सैन्य के साथ जो है महिषासुर की जीवन लीला समाप्त कर दी। बोला सच्चे दरबार की जय। तो भय भगवती आदि शक्ति इस गुफा के अंदर जो है जय पिंडी गृह में तप कर रही है, उस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के भक्तों को माँ के चरण में बैठ करके जो है भगवत की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि बिना भाग्य के जो है इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त होना असंभव है। माँ की ही कृपा होती है तो साधक जो है धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए वह कल्याण को प्राप्त होता है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो वह भगवती जो है जस्या प्रभा मतलब घोण अनंतो ब्रह्मा हरच ना ही भक्त मल भलो च सा चंडिका खल जत परिपालन आय नाशाय चा शुभ मधि प्रोत। वह भगवती जो है जो जगजननी जगत माता जी जिनके अनुपम प्रभाव को जो है उसके बल का वर्णन जो है यही भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा महादेवी जो है बस करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वह भगवती जो है चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं जो है रक्षा करने का विचार करें, हमारे भय को दूर करें और सब वर्षन भक्तों की रक्षा करें। ऐसी भगवती जिसकी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जो है जिनकी अतुलनीय बल की जो है इतना बल है, इतनी शक्तिशाली है, उसका वर्णन करने में जो देवगण भी समर्थ नहीं है। सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चा अशोभ भय से मतिम करो तो वह भगवती माँ चंडिका जो है अखिल जगत का पालन और जो हमारे भय को जो है वह दूर करें और सब वर्षन भक्तों की रक्षा करें। जय श्री स्वयं सुख दिन भव लक्ष्मी पापात्मना कृधियम हृदय बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रवस लज्जा ताम त्वाम नतः समम परिपाल देवी विश्व। जय श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी जो माँ भगवती पुण्यात्म घर में स्वयं जो है लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। जो पुण्य कर्मी लोग होते हैं जिनके घरों में प्रतिदिन जिनके गृहस्थ में जो है सदा सर्वदा धर्म कर्म होता है, माँ की पूजा होती है, माँ की जोत जगाई जाती है, माँ की आरती की जाती है, माँ से प्रार्थना की जाती है, अतिथि सत्कार होते हैं, जिनके घर में हमेशा धर्म कर्म होते रहते हैं, ऐसे जिस घर में जो है बड़ों का मान सम्मान होता है, ऐसे पुण्यात्म लोग घरों में जो है जय भगवती जो है ये लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। तो ये पुण्य जो पुण्यकर्मी है पुण्यात्म के घरों में जो है जय भगवती जो स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। और वह भगवती जो है जैसे स्वयं सुग्रह भवन लक्ष्मी पापात्मक हृदय हृदय से बुद्धि और पापियों के घरों में दरिद्रता के रूप में जो विराजमान रहती है। और जो है हृदय हृदय से बुद्धि और जो शुद्ध अंतःकरण वाले जो पुरुष जो है उनके अंतःकरण में निवास करती है। श्रद्धा सदाम कुल जन प्रवस लज्जा और जे भगवती जो है जो सत्पुरुषों के जो है श्रद्धा के रूप में जो है जे विराजमान रहती है और कुलीन मनुष्य में लज्जा के रूप से निवास करती है। तो इस प्रकार से जे भगवती जो है सब ओर से भक्तों का कल्याण करने वाली है। वह भगवती दुर्गा देवी जो सदा सर्वदा सबका कल्याण करने वाली है, दुर्गा दुर्गत नाशनी जो दुखों का नाश करने वाली है, वह दुर्गा जो है उसके चरणों में हम भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है।
भगवान भगवती संपूर्ण विश्व का पालन करें, हम सब की रक्षा करें, हम सब का मंगल करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर जो है इस पिंडी रूम में माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणंद भक्तों पर इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बन जाती है और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है उनके जीवन कभी कहीं भी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र मंगल ही मंगल होते हैं। क्योंकि ये तीन शक्ति जो है जी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति के रूप विराजमान है और इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। एक तो सबसे पहले क्या है, शारीरिक शक्ति, हमारा शरीर जो तंदुरुस्त हो निरोगी हो। फिर धन शक्ति, उसके बाद जो है ज्ञान शक्ति। शारीरिक शक्ति, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, जिस व्यक्ति के पास तीनों शक्ति है, जिसका ज्ञान ठीक है, विवेक ठीक है, बुद्धि ठीक से काम करती है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है और शरीर से तंदुरुस्त है, उसके जीवन भला किस चीज की कमी हो सकती है। और इन तीनों शक्ति को देने वाली ये तीनों देवी हैं, माता महाकाली, ये शरणद भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, निरोगी जीवन देती है, दुखों का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जो धन लक्ष्मी का वरदान देती है और माता महा सरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती है। ये तीनों शक्तियों की प्राप्ति के लिए ही इस भगवती की माँ दुर्गा की साधना भक्तजन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। ये तीनों देवी प्रसन्नता पूर्व हम भक्तों का आशीर्वाद दें, हम भक्तों सबोर से कल्याण करें। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सम्मिल कर बोलना। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। 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 बोलो सच्चे धर्महरि की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा श्री श्री जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त से कीर्तन में सहयोग देना, सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए श्री श्री जी। जय करा मेरी शरण वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे दर्द की प्यासी है अखियां दे दे मैया दीदार हमें। तेरे दर्श की प्यासी है अखियां दे दे मैया दीदार हमें। ओ तेरे दर्श की प्यासी है अखियां दे दे मैया दीदार हमें। तेरे दर्श की प्यासी है अखियां दे दे बार तुम अपने मुख से मां बस अपना कह के पुकार हमें। एक बार तू अपने मुख से मां बस अपना कह के पुकार हमें। तेरे दर्श की प्यासी है अखियां दे दे मैया की प्यासी है अखियां दे दे मैया दीदार। ताली सभी हाथ पकड़ के ढीले ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरण में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ ऊपर करने से माँ के दरबार की हाजिरी होती है। तो सभी अपने अपने हाथ ऊपर कीजिए। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपकी मुरादे पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर दे। ताली से जीवन की नाव
जग के भव सागर से मां आकर के लगा दे पार पार हमें तेरे दर्श की प्यासी है अखियां दे दे मैया दीदार हमें तेरे दर्श की प्यासी है अखियां दे दे मैया दीदार हमें एक बार तू अपने मुख से बस अपना कह के पुकार हमें एक बार तुम अपने मुख से माँ बस अपना कह के पुकार हमें तेरा ही एक सहारा है तेरा ही एक सहारा है बिन तेरे बार तू अपने दुख से माँ बस अपना कह के पुकार हमें इतना सा दे वरदान हमें इतना सा दे वरदान हमें भक्ति का दे दे दान हमें भक्ति का दे दान हमें इतना सा दे वरदान हमें इतना सा दे वरदान हमें भक्ति का दे दे दान हमें भक्ति का दे दे दान हमें सोने चांदी के दौलत के क्या करने हैं भंडार हमें सोने चांदी के दौलत के क्या करने हैं भंडार हमें तेरे दर्श की प्यासी है अखियां दे दे मैया दीदार हमें तेरे दर्श की प्यासी दे दे मैया दीदार एक बार तू अपने मुख से मां बस अपना कह के पुकार एक बार तू अपने मुख से मां बस अपना कह के पुकार हां बस अपना कह के पुकार बस अपना कह के पुकार हो दे दे मैया दीदार दे दे मैया दीदार जय
जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरों वाली जी का शेरा वाली दा गया संदेश हो शेरा वाली दा गया संदेश हो सब पैना हो या कठिया वाली दा गया संदेश सब पैना हो या कठिया शेरा वाली दा मेरा वाली दा शेरा वाली दा गया संदेश हो सब पैना हो या कठिया शेरा वाली दा गया संदेश सब पैना हो या कठिया छट अपना छट अपना अपना दे छट अपना अपना दे वो सब पैना होया कठिया छट अपना अपना दे वो सब पैना होया कठिया छट अपना अपना दे वो सब पैना होया कठिया छट अपना अपना दे वो सब पैना होया कठिया गुफा तो वैष्णो आई बिच गुफा तो वैष्णो आई वो बिच गुफा तू मां वैष्णो आई बिच गुफा तो मां वैष्णो आई वो भगता ले सौगात ले आई भगता ले मां सौगात ले आई वो भगता ले मां सौगात ले आई वो भगता ले सौगात ले पट्टन ले सब दे कलेश पट्टन ले सब दे कलेश वो सब पैना होया कठिया वाली दया संदेश वो सब पैना होया कठिया शेरा वाली दा मेरा वाली दा जोता वाली दा आया संदेश वो सब पैना होया कठिया शेरा वाली दा आया संदेश ओ सब बड़ा होया कठिया ज्योति रूप च आई ज्वाला ज्योति रूप च आई ज्वाला ओ ज्योति रूप च आई ज्वाला ज्योति रूप च आई ज्वाला ओ कांगे वाली दीन दयाला ओ कांगे वाली मदीन दयाला ओ कांगे वाली मदीन दयाला ओ कांगड़ वाली मदीन दयाला करे कारज सब दे हमें करे कारज सब दे हमें ओ सब पैना होया कठिया ओ करे कारज सब दे हमें ओ सब पैना होया कठिया शेरा वाली दा शेरा वाली दा शेरा वाली दा गया संदेश ओ सब पैना होया कठिया वाली दा गया संदेश सब पैना होया कठिया छट अपना अपना देश ओ सब पैना होया कठिया शेरा वाली दा गया संदेश ओ सब पैना होया कठिया शेरा वाली दा गया संदेश सब पैना होया चिंतपुरनी चिंता हरनी चिंतपुरनी मा चिंता हरनी चिंतपुरनी चिंता हरनी चिंतपुरनी चिंता हरनी ओ नैना देवी मंगल करनी ओ नैना देवी मंगल करनी ओ नैना देवी मंगल करनी नैना देवी मंगल करनी रंकानु करे नरेश वो सब पैना होया कठिया 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 शेरा वाली दा पौना वाली
ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹ ਪੱਤੋ ਪਤਨ ਸਭੇ ਮਾਂ ਉਹ ਪੱਤੋ ਪਤਨ ਸਭੇ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਭ ਦਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਆਈਆਂ ਸਭ ਦਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੰਚਲ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਓ ਚੰਚਲ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਓ ਚੰਚਲ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੋਲੀਆਂ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਚੋਲੀਆਂ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਚੋਲੀਆਂ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 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 ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ
माता मैं पापी द्वार तेरे चल आया अपुल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चल आया अपुल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चल आया रज रज पाप कमाए मैंने दिल विच सोच विचारी ना रज रज पाप कमाए मैंने दिल विच सोच विचारी ना रज रज पाप कमाए मैंने दिल विच सोच विचारी ना रज रज पाप कमाए मैंने दिल विच सोच विचारी ना काम क्रोध लोभ दिमती कपलत विच उतारी ना काम क्रोध सब लोभ कपलत विच उतारी ना तेरे बिना हुण केड़ा माता बदले मेरे काया ओ तेरे बिना हुण केड़ा माता बदले मेरे काया फुल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया फुल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे मैं पापी द्वार तेरे चलाया फुल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया बिना नु मैं मां अपना समझिया ओ हो होए बेगाने ने जिन्हां नू मैं अपना समझिया ओ हो होए बेगाने ने मां जिन्हां नू मैं मां अपना समझिया ओ हो होए बेगाने ने मां जिन्हां नू मैं मां अपना समझिया ओ हो होए बेगाने ने मतलब दे सब साथी संगी मतलब दे यारने ने मतलब दे सब साथी संगी मतलब दे यारने मां मतलब दे सब साथी संगी मतलब दे यारने मां मतलब दे सब साथी संगी मतलब दे यारने मेहर करो मां शेरावाली बछड़ा दर दे आया ओ मेहर करो मां शेरावाली बछड़ा दर दे आया फुल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चलाया बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चला बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चला बुल बख्श मेरी माता मैं पापी द्वार तेरे चला देखी झूठी प्रीत जगत दी ना कोई अपना होया ओ देखी झूठी प्रीत जगत की ना कोई अपना होया मां देखी झूठी प्रीत जगत दी ना कोई अपना होया मां देखी झूठी प्रीत जगत की ना कोई अपना होया सब मतलब दे यार निकल गए जिन्हां ने मैनू मोया सब मतलब दे यार निकल जिन्हां ने ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਆ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਈਆ ਮਨ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਆ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਈ ਮਨ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਮਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਵੀ ਭਜਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋ
अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली ओ एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली अंबे माशरों वाली अंबे माशरों वाली दुर्गे माँ मेरो वाली दुर्गे माँ मेरो वाली दासी की झोली भर दो अंबे माशरों वाली दासी की झोली भर दो अंबे माशरों वाली हो एक कोर कृपा की कर दो माशरों वाली गोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली हो मैं तो मैया मैया सदा ही रटूं मैं तो मैया मैया सदा ही रटूं हो मैं तो मैया मैया सदा ही रटूं मैं तो मैया मैया सदा ही रटूं कभी द्वार से मैया कभी द्वारे से मैया के ना हटूं कभी द्वारे से मैया के ना हो मेरे शीश ओ मेरे शीश कमल पग धर दो अंबे माशरों वाली मेरे शीश कमल पग धर दो अंबे माशरों वाली हो एक गौर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली हो एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो माशरों वाली हो मेरी आस न टूटने पाए कभी मेरी आस न टूटने पाए कभी हो मेरी आस न टूटने पाए कभी मेरी आस न टूटने पाए कभी इस तन से प्राण जाए तभी इस तन से प्राण जाए कभी हो इस तन से प्राण जाए कभी इस तन से प्राण जाए कभी मुझे निज दर्शन का वर दो अंबे माशरों वाली निज दर्शन का वर दो अंबे माशरों वाली हो एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली हो एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली हो मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए हो मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए निज नाम का मंत्र बता दीजिए निज नाम का मंत्र बता दीजिए हो निज नाम का मंत्र बता दीजिए हो मेरे मन की व्यथा सब हर लो अंबे माशरों वाली मेरे मन की व्यथा सब हर दो अंबे माशरों वाली हो एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली हो एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली एक कोर कृपा की कर दो अंबे माशरों वाली अंबे माशरों वाली अंबे माशरों वाली दुर्गे माँ मेरो वाली दुर्गे माँ मेरो वाली
की झोली भर दो अंबे माँ शेरोवा और कृपा की कर दो अंबे माँ शेरोवाली और कृपा की कर दो अंबे माँ शेरोवाली एक और कृपा की कर दो अंबे माँ शेरोवाली एक और कृपा की कर दो अंबे माँ शेरोवाली अंबे माँ शेरोवाली अंबे माँ शेरोवाली दुर्गे माँ मेहरोवाली दुर्गे माँ मेहरोवाली अंबे माँ शेरोवाली अंबे माँ शेरोवाली जय कर मेरी शेरोवाली मैया जी का बोल, बोल सच्चे दरबार तब अगली प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका तू देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका कदो दा देंदे हो का निमाए कदो दा देंदे हो का कदो दा देंदे हो का निमाए कदो दा देंदे हो का मां देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका भारत वर्गे चरणू पाके भारत वर्गे चरणू पाके भारत वर्गे चरण म पाके भारत वर्गे चरण म पाके कदी गरीबा दे कर आके 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 कर जा पवित्र चौका निमाए देख दमत दा मौका कर जा पवित्र चौका निमाए देख दमत दा मौका ओ देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका ओ देख दमत दा मौका निमाए दे सेवा दा मौका देख दमत दा मौका निमाए दे सेवा दा मौका करदा नतमस्तक होके करदा नतमस्तक होके जी करदा नतमस्तक होके करदा नतमस्तक होके कपला गौ तेरे सामने चौके गौ तेरे सामने चौके कपला गौ तेरे सामने चौके कपला गौ तेरे सामने चौके ओ दूध पिलाइए गो काली माय देख दमत दा मौका दूध पिलाइए गो काली माय देख दमत दा मौका देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका कदो द देंदे हो का निमाए कदो द देंदे हो का कदो द देंदे हो का निमाए कदो द देंदे हो लगन दी रोटी बनाइए लगन दी रोटी बनाइए पूजा पाठ दी दाल खिलाइए दाल खिलाइए ला शरदा नाल शोका निमाए देख दमत दा मौका ला शरदा नाल शोका निमाए देख दमत दा मौका ओ देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मौका देख दमत दा मौका निमाए देख दमत दा मन कहंदा तेरे कोल मखड़के कहंदा तेरे कोल मखड़के मोर पंख दी पंखी फड़के 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 ओ हवा दा देइए चौका निमाए देख दमत दा मौका हवा दा देइए चौका निमाए देख दमत दा मौका आ निर्दोइए
हा निर्दोष बह जाया के निर्दोष बह जाया के हा निर्दोष माइए बह जा निर्दोष माइए बह जा इस कुटिया तो हर के ले जा कुटिया तो हर के ले जा इस कुटिया तो हर के ले जा कुटिया तो हर के ले जा ओ बुरा दिनां दा सोका निमाए दे किस्मत दा मौका बुरे दिन दा सोका निमाए किस्मत दा मौका निमाए दे किस्मत दा मौका ओ दे किस्मत दा मौका निमाए दे किस्मत दा मौका कदो द दिन दे होका निमाए दे किस्मत दा मौका कदो द दिन दे होका निमाए दे किस्मत दा मौका 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 दे जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय आरोण सिद्धंस भ्रमत जगने दक्षिणे चक सूत्र बामे हस्तिभ्यां कणकमयं पुस्तकं जन गम्य साभिना भादयन्ते स्वकर्कर्जपे शास्त्र विज्ञान शब्दे क्रीडन्त दिव्यरूपा करकमलधरे भारते सुप्रसन्न सच्चे ज्योति वाले माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिशिर ऋतु माघ मास की आज छह प्रविष्टि ही पौष शुक्ल पक्ष आज त्रयोदशी तिथि ही शनिवार तदनुसार 19 जनवरी सन 2019 के दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया आज शनि प्रदोष व्रत भी है, बड़ा ही उत्तम दिन है और ऐसी परम पवित्र वेला में आरती समय माँ भगवती जगत माता के चरण में बैठ करके आप भक्तों को माँ वैष्णो देवी की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्त कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी द्वार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भाने भवे श्रीमान जसस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे भैर दर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्रणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात शमानम हीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली जाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी सुमन सदन धारनी मैया जी को निशा
दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे मैया दी को मृग मध को जल से दो नैना जल से दो नैना चंद्र बदन तो ओम जय अम्बे गौरी तनक समान कल रक्तांबर राज मैया रक्तांबर राज पुष्प गल माला कंठन पर साज ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया खड़गत पर धारी सुर नर मुनि जन सेवत दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया नाता गे मोती गोती कचन दिवाकर समराज ज्योति ओम जय अम्बे गौरी महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंद मंद संहार शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू तुम ही हो भरता भरतन की दुख हरता भरतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अतिशोभ परमात्रा धारे ओ मैया वर मुद्रा धारी पावत सेवत नर नारी अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर बात ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राज श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया प्रेम सहित गावे तहत हरि हर स्वामी
तुमने तारा पत्र से
सारथ रतन न्यारा ओ मैं पुत्र सारथ रतन न्यारा होते माता देखे उन्हें न रोके वैष्णव कर कल्याण शरण आया हूँ क्षमा करो अपराध शरण आया हूँ दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवत की पूजा करके आपके सामने से बहुत द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सबक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवत से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे प्रेम से बोलो जय माता दी, संभल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, काल बजट जय माता दी, बोलंद जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, 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 जय जगदम्बे, दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्य, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अपरम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। जय माता दी। आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैयान बहन जो सत गरी जो चरना दाद जय मां। Thank you.
हरियं चक्रे शिराशुरं पशुं शिराशङ्खं सन्दरदिं करेक्षर्वाङ्गभूषाभिधां नीराशमद्विमास पाददशकां सेवे महाकालिकां जामस्तु सविदेवलो कमलजं हन्तुं मधुकेतवम् अक्षा सर्पशङ्करेषु पुरुषां पद्मन्दनुष्कुण्डिता दण्डं शक्तिमसिंहधर्मजलजं घण्टासुरावाचनम् चोलं पाददर्शने कदर्ते हस्ते प्रसन्नायनां सेवे दैवमर्दने लक्ष्मी करो यस्तां दण्डाशूलहलायुतं कमसरे चक्रं धनुसायुतम् अक्षाङ्गेतसिंहणां कविलचं चीतासुरल्यापवां गौरी आधारभूतामः पूर्वा मत्तसरस्वती मन्वदे शुम्भादिजस्तायिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव विद्या बलं त्वमेव त्वमेव सर्वमदेव देव शान्ताकारं भयरक्षयं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं करुणसदृशं मेघवर्णं सुमाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकेकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरे मुरारे गोविन्द गोपाल माधवं किशोरे राधं भजेहि शरणं भजेहि विद्यापतेहि भगवन्वसुदे सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पञ्चफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करण वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देन वाली माता तेरी सदा पुलाच का माफ करने वाली माता तेरी सदा डोंकरा भी ठाग तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सत्य दरबार की जय उच्च गुरु महाराज की जय उच्च माता पिता की जय बोलो सत्य दरबार की जय जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शरणवाली दा Om Namah Shivaya.
Thank you.